स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे, सीएम योगी ने शताब्दी समारोह पर किया शुभारंभ, बोले 2022 तक नई शिक्षा नीति देश भर में लागू हो जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी गुरुवार को 100 साल का हो गया। शताब्दी समारोह को खास तरीके से मनाने के लिए 19 से 25 नवंबर तक 7 दिनों तक कई कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गुरुवार को शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी गर्व से कह सकता है कि हमने देश को राष्ट्रपति न्यायमूर्ति दिया, प्रशासनिक अधिकारी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनेता दिए, शोध के लिए वैज्ञानिक दिए तो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उद्योगपति भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय मनुष्यों ने कभी नहीं कहा कि परीक्षा पास कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। 2022 तक नई शिक्षा नीति देश भर में लागू हो जाएगी। जेल प्रहरी भर्ती, प्रवेश पत्र जारी होने के बाद एजेंसी ने अचानक बदले 3 सेंटर, पीईबी ने स्थगित की परीक्षा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 20 नवंबर से आयोजित की जाने वाली जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा ठीक 2 दिन पहले बुधवार को स्थगित कर दी गई है। दरअसल पीईबी ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए नई एजेंसी को चुना है। इसके द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के बाद 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए। पीईबी के चेयरमैन केके सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हारे मंत्रियों को निराश न होने देंगे शिवराज, निगम मंडलों में पाएंगे मुकाम। प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों में कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। उनकी निराशा दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब उन्हें निगम मंडलों में जगह देने की तैयारी कर ली है। उपचुनाव में हारने वाले मंत्रियों में एंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया मुख्य रूप से शामिल हैं। शिवराज सरकार हारे मंत्रियों को निगम मंडलों में जगह देने के साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे सकती है। रानी लक्ष्मीबाई को पीएम मोदी का नमन, बोले देशवासियों के लिए वो हमेशा बनी रहेंगी प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज़ादी की पहली लड़ाई में अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंज में नियंत्रण रेखा के पास भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना ने 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के पुंज जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाके में भारी गोलाबारी की। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, बुधवार शाम को 6:10 के आसपास पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के पुंज जिले के शाहपुर और किरनी सेक्टरों में एलओसी के पास गोलीबारी की और मोर्टार दागे। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस महीने 37 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन। तो ये थी आज की 5 खास खबरें। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।